हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद शालिनी। में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। तो कैसे हो गए आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी दोपहर के 12 साढ़े 12 बज रहे थे, आई थिंक 1:15 बज रहे थे। और अब मैं नहा के पूजा करने जा रही हूँ और आज भी मैं लेट हो गई हूँ। और निशवान को कंटिन्यू जो है मैं पढ़ा ही रही हूँ क्योंकि उसके सिर्फ 2 दिन एग्ज़ाम के रह गए हैं। तो अब मैं प्रॉपर कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, बस मैं कैमरा लगा के और अपने काम कर रही हूँ ताकि जो है मेरा कोई भी काम डिले ना हो। और इसलिए मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। तो प्रॉपर कोई ब्लॉग नहीं है ये आप समझ लो। तो यहाँ पे मैं अपना आटा लगा रही हूँ, फटाफट तैयारियाँ कर रही हूँ। तो जैसे तैसे मुझे जो टाइम मिल रहा है मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और सिर्फ 11 तारीख की बात है, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स है, वो परेशान हो गए कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ। तो नहीं, मैं कोई यूट्यूब नहीं छोड़ रही हूँ, बस ये है कि बेटे का एग्ज़ाम है उसी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट बर्तन धोऊंगी और कुछ खाने के लिए बनाऊंगी। तो मुझे जैसे टाइम मिल रहा मैं वैसे ही काम कर रही हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि काम तो मैं कर ही रही हूँ तो कैमरा लगा के रख देती हूँ, जो वीडियो शूट होगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं सुबह के जो चाय नाश्ते के बर्तन थे, जो मैंने खाना बनाया था हस्बैंड के लिए टिफ़िन, उन सभी के बर्तन धो रही हूँ। काफ़ी बर्तन थे तो नहाने से पहले नहीं धो पाई हूँ क्योंकि बिकॉज निशु का क्लास ही 12 बजे ही ख़त्म हुआ है। और क्लास ख़त्म होने के बाद उसको इतनी सारी एक्टिविटी होमवर्क मिल जाते हैं कि उसको भी कराने में मेरे कम से कम 3 से 4 घंटे चले जा रहे हैं। तो जब तक एग्ज़ाम है ना तो प्रेशर ज़्यादा है और उसके साथ साथ मेरे ऊपर भी प्रेशर है। तो ये मेरे कुछ कप रखे थे तो यूज़ नहीं हो रहे थे तो इन पे भी ना डस्ट जम गए थे। तो मैं इनको भी साथ के साथ ही धो के रख दूँगी साबुन से। तो यही सब कर रही हूँ मैं। तो कोई वैसे कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ तो एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। और क्या करूँ, बच्चे की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हर एक चीज़ का टाइम होता है। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही मैं अपनी चीज़ें करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख सकते हैं उसको मैं पढ़ा रही थी और मैं यहाँ पे कैमरा रख के गई और वो आप लोगों से ना बातें करने लग गया तो मैंने देखा नहीं। तो फिर अभी मैं आके देखूंगी तो फिर मैंने उसको डांटा, फिर वो पढ़ने बैठ जा रहा था, फिर आप लोगों से आके बात करने लग रहा था। उसको पता ही नहीं था कि ये फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है। वो अपनी यहाँ पे जो है टेबल दिखा रहा है और वो यहाँ पे 1 से लेके 100 तक का अपना कर रहा है क्योंकि ये सभी उसको होमवर्क मिले हैं जो कि 4 बजे से पहले पहले उसको सेंड करने होते हैं। तो वो अपना वर्क भी कर रहा है, अपना फ़ोन में अपनी एक्टिविटी भी देख रहा है साथ के साथ। तो बच्चे मतलब प्रेशर कोई नहीं डाल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर है, कोई 12वीं क्लास में है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन छोटा है फिर भी प्रेशर समझ लो मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही है। उसको समझाना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको खिलाना पिलाना, इसलिए मुझे जहाँ पे भी कैमरा स्टैंड मिल रहा है ना बस मैं कैमरा लगा के छोड़ दे रही हूँ और अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है उसको खाने के लिए सैंडविच, आप सबको पता है कि वो कुछ खाएगा नहीं तो सब्जियों में से आलू निकाल के उसके लिए सैंडविच बना दिया है, कम से कम इसी बार खा तो लेगा। और यहाँ पर मैंने फ्राइड राइस बनाई थी और आलू की सब्जी बनाई थी और साथ में बूंदी है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसन बा? और हम दोनों माँ बेटे का लंच हो गया है और अब मैं खाऊंगी प्रसाद जो कि हमारे यहाँ हर मंगलवार को ये चढ़ता है, बूंदी मंगलवार को शाम को चढ़ता है क्योंकि कल मंगलवार था और हमने बूंदी चढ़ाई थी। तो अब हम खाना खाने के बाद इसको एंजॉय करेंगे। निशु चावल बिल्कुल नहीं खाता है, आलू की सब्जी थी बिल्कुल भी नहीं खाया। तो मैंने उसको सैंडविच बना के दे दिया था, उसने सैंडविच फिनिश कर दिया है और ये देखो चूंजे सैंडविच भी चूंजे की तरह खाया है, जैसा चूंजा नहीं खाता है बिल्कुल वैसे ही। तो आज मेरा ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं है, मैं कोई प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं अपना वर्किंग कर रही हूँ कि मैंने बताया था आपको कि मुझे टाइम मिलेगा तो ही मैं ब्लॉगिंग करूँगी। और आज मुझे लगवानी है मेहंदी तो कोई प्रॉपर अलग से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, नहीं शूट करूँगी स्पेशली कुछ भी वैसा, बस जो कुछ हो रहा वही दिखा पाऊँगी तो उसी को कंटिन्यू करती हूँ। ब्लॉग बन गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और मुझे मैंने फ्राइड राइस बनाया था, हाँ हटा रहे बेटा भी रहने दो, फ्राइड राइस बनाया था और देन सब्जी थी सुबह की उसी के साथ खा लिया मैंने। गरम गरम फ्राइड राइस बनाया, निशु के लिए सैंडविच बनाया
अब हम इंजॉय करने जा रहे हैं बूंदी, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय बाय। सो गाइज, मेरा होमवर्क वगैरह कंप्लीट हो गया है और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ कीप, और साथ के साथ जो है मैं उसको पढ़ा भी रही हूँ, उसकी एक्टिविटी भी चेक करती जा रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे काम की वजह से, मेरे वीडियोस की वजह से उसकी कोई भी चीज़ रह ना जाए, तो इसी वजह से मैंने आपको बताया ना, मैं कैमरा स्टैंड लगा के बस अपना काम करे जा रही हूँ। और मेहंदी लगाने की सोची तो मेरे पास जो रेड वाली मेहंदी थी ना वो ख़त्म हो गई, तो काली वाली मेहंदी मुझे लगानी पड़ रही है, जो कि मैं नहीं लगाना चाहती थी, बहुत ज़्यादा काला पड़ गया लगने के बाद। तो यहाँ पे जो दूध की पैकेट होते हैं ना, दूध खाली हो जाता है, तो इसी को मैं धो के ना इसी से मैं कीप बनाऊंगी, क्योंकि जो डायरेक्ट मेहंदी लगती है ना उससे लगती नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं उसको साथ के साथ पढ़ा भी रही हूँ और उसकी अपना बता भी रही हूँ। ए स्ट्रेंजर समवन यू डू नॉट नो, मैंने आंसर लिखा है ना, आप उसी को लिखो। ए स्ट्रेंजर समवन डू यू नॉट नो। तो मैं उसको साथ के साथ उसकी क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करा रही हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब मैं इन सभी के पिक्चर भी क्लिक कराऊंगी और इसको ख़त्म करने के बाद, अपना कीप बनाने के बाद, मैं उसको नहलाने जाऊंगी। और सभी चीज़ों को मैं मैनेज कर रही हूँ, बट कुछ लोग नहीं समझते हैं, जो लोग उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि भगवान न करे कि ऐसी सिचुएशन तुम्हारी जैसी घटिया औरतों के साथ हो, जो कि मुझे गंदे गंदे कमेंट्स कर रही हैं। पता नहीं कहाँ से गंदे कमेंट्स वाले भी मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं। सारी का मैं ये कहती हूँ कि सेम टू यू डियर, जो तुम दूसरों के लिए घटिया बोल रही हो ना, लिख रही हो, अगर तुम सच में लेडीज़ हो, औरत हो या फिर लड़की हो ना, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हारी जैसी लड़कियों को, तुम्हारी जैसी औरतों को, जो एक औरत होकर दूसरी औरत से इतना ज़्यादा बैर रखती है, इतना ज़्यादा जलन रखती है। मैं कैसे अपने सारे चीज़ों को कर रही हूँ ना, कोई अगर परेशान हो ना तो उसको उस सिचुएशन में कभी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस सिचुएशन में ना दिल से, जो इंसान जब परेशान होता है ना तो दिल से बहुत सारी बद्दुआएं निकलती है कि यार एक तो मैं परेशान हूँ, ऊपर से ये लोग भी इतनी बुरी तरीके से परेशान कर रहे हैं जिसका कोई मतलब हिसाब किताब नहीं है। तो कोई मेरे से आपका कोई पर्सनली दुश्मनी है या कुछ और है तो वो भी मुझे बता दो, या अलग अलग आईडी चेंज कर करके आ रहे हो, कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो भगवान बैठा ना वो सब देख रहा है, तो तुम्हारे जैसे लोगों का हिसाब किताब तो वो भगवान करेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक परेशान इंसान को अगर परेशान कोई करता है ना, तो उसकी जो हाय होती है ना, आह निकलती है, जब इंसान दिल से परेशान होता है, इंसान का एक तो मूड ऑफ होता है, ऊपर से ऐसे ऐसे घटिया घटिया लोग आ जाते हैं, तो यार मैं क्या करूँ बताओ। मैं इससे अच्छा तो मैं छोड़ ही देती हूँ, इतनी बुरी बुरी तरीके से ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। मैं क्या बोलूँ यार, ऐसी घटिया सोच वाले लोगों का ना मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। अभी क्या है, मैं बहुत परेशान हूँ, अपने बच्चे का जो है पेपर वगैरह है मेरे बच्चे का, तो उसमें मैं थोड़ा सा उलझी हुई हूँ, थोड़ा खाली हो जाने दो ना, फिर मैं मुँह तोड़ के जवाब ना दिया ना तो मेरा नाम भी शाली नहीं है, मेरा नाम बदल देना। तुम्हारे जैसे लोगों का ना मैं इलाज बहुत जल्दी करने जानती हूँ, तो थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो, रुको जरा अभी, थोड़ा सा मुझे खाली हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे जैसे लोगों के कमेंट का जवाब अच्छे से दूंगी और लाइव आके दूंगी, और हिम्मत होगा तो फिर मेरे लाइव को ज्वाइन करके भी दिखा देना, ठीक है। और मैं किसी से डरती नहीं हूँ और सबक सिखाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है, मिलूँगी तुमसे जल्दी। तो यहाँ पे मैं निश्वान के क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ और उसकी राइटिंग भी सुधार रही हूँ, और मेरा निश्वान जो है एक्टिव है काफ़ी अच्छे से, बहुत जल्दी चीज़ों को कैप्चर करता है, समझ जाता है, तो इस तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ। कोई स्पेशल वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो मैं बस अपने जो काम कर रही हूँ, कैमरा लगा के रख दिया है, वीडियो शूट हो रही है, आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्जी है। और गाइस, मैं अपने जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स, उनको मैं बताना चाहती हूँ, ये जो लेडीज़ है सारिका नाम की, ये मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे नाक में ना दम सा कर दिया है। अब आप लोग बताओ, आप लोग चाहते हो कि मैं छोड़ दूँ, तो आप लोग कहोगे तो मैं छोड़ भी दूँगी, मेरे लिए कोई बहुत ये नहीं है कि मेरी यूट्यूब की कमाई से मेरा घर चल रहा है, मेरा पति
घर बैठा है तो मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊंगी तो ही मेरा पति मेरा बच्चा खाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा पति भी कमा रहा है और मेरे पास भी साइड इनकम बहुत है, बहुत सारे जरिया। मैं बिज़नेस करती हूँ, बैंगल्स वगैरह के भी मेरे चांदनी चौक में ऑर्डर्स जाते हैं, ऑनलाइन भी जाते हैं, अमेजोन पे भी जाते हैं, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आप लोग बता देना, मेरी यूट्यूब की कोई की कमाई से कोई मेरा घर नहीं चलता, और इतनी मेरी कमाई भी नहीं है कि जिससे मेरा जो है राशन पानी चल रहा है। जिसका चलता होगा उसको टेंशन होगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा यूट्यूब की कमाई से मेरा घर नहीं चल रहा है, और ना ही मेरा पति कोई नल्ला है कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊंगी तो ही मेरा पति जो है मेरे बाल बच्चे और पति खाएंगे। मेरा पति कमा रहा है भाई, 100 बातों की एक बात। बुरी लगे तो कोई बात नहीं, अच्छी लगे तो भी कोई बात नहीं। ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मुझे घटिया बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। और आप लोग भी बता देना जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, सच में ऐसे लोगों मतलब नाक में दम सा कर दिया है तो फिर क्या करूँगी मैं, ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी तो छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं दिमाग पे जो है ना प्रेशर नहीं ले सकती हूँ, किसी चीज़ का लोड नहीं ले सकती हूँ। मेरे पास काम की कमी नहीं है, बहुत सारे मेरे पास जरिया है काम करने के भी, ठीक है। किसी का एक घर भी डिज़ाइन करूँगी ना तो 50-60 हज़ार रुपये मेरे लिए कहीं नहीं गए हैं। तो मेरे लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट भी ना 50-60 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये आराम से मैं बचा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी लग, तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरी मेहंदी लग के कंप्लीट हो गया है, और मैं इसको जिस हिसाब से शेड देना चाहती थी ना मेहंदी उस हिसाब से लगी हुई है, लेकिन ये मेहंदी कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गई। काली वाली मेहंदी थी, लाल वाली मेहंदी ख़त्म हो चुकी थी। अदरवाइज़ ये शेड जो मैंने बनाया ना, ये मेहंदी डिज़ाइन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो उस वही वाली मैं डिज़ाइन लगा रही थी। बाकी इसको आउटलाइन मैं बाद में दूंगी और ये जल्दी छूट जाएगा। मैं सेम डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ये पूरे 2 महीने से ये मेहंदी रखी हुई थी, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, लिक्विड हो गया था, इसी वजह से ये फैला फैला सा लग रहा है। अदरवाइज़ ये बहुत ट्रेंडी मेहंदी है, अब ये रोज़ वाले और ये पूरा ब्लैक वाला मेहंदी का ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ ऐसे। अभी इनके बीच में ना शेड देना ज़रूरी है। ये जो ऊपरी खबरे से आपको लाइनिंग दिख रहा है ना, अभी इसमें रेड कलर की लाइनिंग होगी तो ये बहुत ही अच्छा सा खिल कर आएगा, और काफ़ी ट्रेंडी मेहंदी है तो थोड़ा सा गिचर पिचर हो गया है, क्योंकि ये जो ब्लैक वाला है ना ये पिछले 2 महीने से रखा हुआ था, जिसकी वजह से ना लिक्विडी हो गया है। तो ये मैंने नेल पेंट लगा लिया है, मेहंदी लगा लिया है, और ये कल तक छूट जाएगा तो मैं अभी फिर से लगाने वाली हूँ। देखो क्या बेचने आया है। गाइस गुड इवनिंग। तो देख सकते हो मुझे स्वेटिंग कितनी हो रही है, एक्चुअली लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और ये आउटफिट भी चेंज करने जा रही हूँ। इसको मैंने लिया है मीशो से रक्षाबंधन के लिए। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। सबसे अच्छी बात मुझे इसका घेर लग रहा है जो कि बहुत प्यारा है। हालांकि मैं अभी पतली हो गई हूँ तो यहाँ से थोड़ा सा लूज़ है, बट मैं टाइट नहीं करवाऊँगी इसको, एज इट इज़ ही रहने दूँगी। तो देख सकते हैं फॉयल मिरर वर्क पूरा दिया हुआ है। फॉयल ये ओरिजिनल मिरर नहीं है, फॉयल मिरर है, और पैरेट ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे गोटा पट्टी है, और यहाँ पे ढेर सारा टैसल है। आप देख सकते हैं बहुत प्रिटी लग रहा है। एक बार मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप बताना कि कैसा लग रहा है। ये देख सकते हैं इसका घेर, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। ये देखिए तो मैं इसका येलो कलर जो था ना मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे फिर अपने हस्बैंड की बात याद आ गई। येलो कलर से उनको नफरत हो गई है। पहले जिस आदमी को येलो कलर से प्यार था, आज उसी आदमी को येलो कलर से नफरत हो गया है। तो डरते डरते मैंने ये वाला कलर मंगा लिया है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। यहाँ पर इस तरीके से जो है लटकन दे रखा है। अब मैं इसको चेंज करने जा रही हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे इसका घेर लग रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा घेर है। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये रही मेरी मेहंदी जो कि काली काली वाली ही लगाई थी मैंने, और अच्छे से नहीं लगी है, मैं फिर से लगाऊंगी।
तो चलो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।